स्टूडेंट्स वेलकम ऑल ऑफ यू इन द बेस्ट क्लास। वंस अगेन स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 3.7 हमारी चल रही है और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। आपसे कहा गया थ्री टैंकर्स कंटेन 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ द थ्री कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि थ्री टैंकर्स हैं और उनमें जो ऑयल है, जो उनमें जो डीजल है वो कितना है, 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर डीजल उनमें है। आपको एक ऐसे कंटेनर की कैपेसिटी बतानी है जो जिसकी कैपेसिटी मैक्सिमम हो और वो इन सभी की कैपेसिटी को मेजर कर पाए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। तो स्टूडेंट्स, हमें इनको फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था जहां पर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट कैपेसिटी आपको रिक्वायर है और हाईएस्ट कैपेसिटी के लिए आपको एससीएफ को फाइंड करना होगा। तो हम एससीएफ ऑफ 403, 434 एंड 465 को हम यहां फाइंड करेंगे। और स्टूडेंट्स, यहां पर हम किस तरह से एससीएफ फाइंड करते हैं, यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे और फिर यहां पर जो प्राइम फैक्टर में कॉमन पार्ट होगा वही इसका एससीएफ होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं 403, यहां पर हमारे पास जो नंबर दिया है ये नंबर किससे डिवाइड हो जाता है, इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, ये नंबर तो 403 73 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये आई थिंक 7 से डिवाइड हो सकता है क्या, 7 से भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसके बाद ये 13 से ही डिवाइड हो पाएगा। 40 में से 39 माइनस होता है तो 1 बचता है और 103 फिर 13 हो जाता है, तो आप कह सकते हैं 13 बन जाए 13। इसके बाद 31 आ गया है, 31 तो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर से ही, अपने नंबर से ही डिवाइस हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 403 के यहाँ पर प्राइम फैक्टर हो गए हैं। इसके बाद हमने सेकेंड नंबर देखा है 434, इसके भी प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 7 जा 14, ये आप सबको डिवाइड करना, इसके प्राइम फैक्टर करना आप आ ही गया होगा। फिर हमने इसमें 7 से डिवाइड किया है क्योंकि हमें लग रहा है 7 से एक्जेक्टली डिवाइस हो जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7, फिर हमने इसको 31 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर है 465 और इसके अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले मैंने 5 से डिवाइड किया है, 5 9 जा 45 एंड 5 3 जा 15, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 एंड 31 से किया है तो 1। तो स्टूडेंट्स, हमने 403 के भी प्राइम फैक्टर किए हैं, 434 के भी प्राइम फैक्टर किए हैं, 2 7 एंड 31 और इसके बाद 465 के भी प्राइम फैक्टर किए हैं, 3 5 एंड 31। तो यहां पर इन तीनों का सबसे पहले देखना है कौन सा ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कॉमन है, और ऐसा देखने से लगता है कि यहां पर तो एक ही नंबर है जो तीनों में कॉमन है, वो है 31। आई थिंक और कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर इन तीनों का जो एससीएफ है वो हमारे पास आ गया है 31। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका जो आंसर होगा 31 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन यहां पर आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइजेबल बाय 6, 15 एंड 18, लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। आपसे कहा गया है कि आपको एक ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जो 6, 15 एंड 18 को कंप्लीटली डिवाइस करता हो और 5 ईच केस में रिमाइंडर बचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, सबसे पहले हम रिमाइंडर 5 वाला केस को थोड़ा सा अलग रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक ऐसा लीस्ट नंबर रिक्वायर होना चाहिए कि जो 6, 15 एंड 18 से कंप्लीटली डिवाइसेबल हो। तो स्टूडेंट्स, हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होता है, मैंने बताया था आपको लीस्ट नंबर फाइंड करने के लिए तो हमें एलसीएम फाइंड करना होता है, क्योंकि लीस्ट का मतलब होता है लोवेस्ट और एलसीएम में भी एल का मतलब होता है लोवेस्ट। तो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है उसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना होगा, एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। तो स्टूडेंट्स, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं इसको भी देख लेते हैं, 6, 15 एंड 18, और यहां पर हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 15 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 9 जा 18।
और फिर हम यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये सभी नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं, 3 1 3, 3 5 15 एंड 3 3 9। फिर इसको दोबारा से 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 3 से डिवाइसबल नहीं है, 3 3 से डिवाइसबल है 1 टाइम, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 एंड 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 5। तो 2 3 6 6 3 6 18 18 5 90। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना आया है, एलसीएम जो आया है वो 90 आया है। मतलब हमने ऐसा नंबर तो फाइंड कर लिया है जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन नंबर से कंप्लीटली डिवाइस ना हो, 5 रिमाइंडर बच जाए ईच केस में। तो आपको वो नंबर फाइंड करने के लिए आप कहोगे द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होना चाहिए, 90 प्लस 5, ये होना चाहिए स्टूडेंट्स 95 क्यों है, क्योंकि हमारे पास 90 एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइस होता है, लेकिन उन्हें हर केस में 5 रिमाइंडर रिक्वायर है, तो हमने उस 5 को ऐड कर दिया। तो आप यहाँ चेक भी कर सकते हो, अगर मैं 95 को डिवाइड करता हूँ 6 से तो यहाँ पर आता है 6 1 6, आपके पास आता है 3 5 6 5 30, तो यहाँ पर रिमाइंडर आता है 5। इसके बाद में 95 को अगर 15 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आता है 15 6 90, तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 5। और अगर मैं 95 को 18 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 18 5 90 आता है, फिर भी रिमाइंडर आता है 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर विच इज डिवाइसेबल बाय 18, 24 एंड 32। आपसे कहा गया है आपको स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फाइंड करना है जो कंप्लीटली डिवाइसेबल हो 18, 24 एंड 32 से। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर तो हम सबको ये पता भी होना चाहिए 1000 ही होगा, क्योंकि इससे पहले के जो नंबर्स होंगे वो तो 3-digit नंबर होते हैं, आपको 4-digit नंबर की रिक्वायरमेंट की गई है। तो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर इज इक्वल टू 1000। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि एक लीस्ट नंबर भी फाइंड करना है जो 18, 24 एंड 32 से कंप्लीटली डिवाइसेबल हो, और इसके लिए हमें यहां पर इसका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आपको 18, 24 एंड 32 का एलसीएम फाइंड करना है, और एलसीएम फाइंड करना तो अब हमें आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आ ही जाना चाहिए। तो यहां पर हम सबसे पहले एक स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, मैंने 2 ले लिया है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 9 18 और 2 12 24, यहां पर 16 आ जाएगा। फिर मैंने 2 लिया है, 9 2 से डिवाइस पर नहीं होता है तो 9 को 9 ही रखा है। फिर मैंने देखा है 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड किया है, 2 3 6 2 4 8, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया है तो हमारे पास यहां पर 2 2 4 आ गया है, फिर 2 से डिवाइड किया है तो 9 3 एंड 1 आ गया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि अगर कोई नंबर जो डिवाइड नहीं हो पा रहा है उसको एज इट इज रखते हैं, जो नंबर डिवाइड हो जाता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद मैंने 3 ले लिया है, 3 3 9 3 1 3 एंड फिर मैंने 3 लिया है तो 3 1 3 3 और 1 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनका जो एलसीएम है वो आपके पास क्या आया है एक बार उसे भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 टाइम्स आया है एंड 3 2 टाइम्स आया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 5 टाइम्स आया है, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, और 32 का मल्टीप्लाई आपको करना है 9 से, क्योंकि 3 3 9 होता है, और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 हो जाता है 18, 9 2 18 का 8 कैरी लगा 1, 9 3 27 और 28। तो हमारे पास आ गया है 9 2 18 का 8 कैरी लगा 1, 9 3 27 और 28। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक ऐसा नंबर आ गया है 288, ये नंबर इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइसेबल होगा, ये इनका एलसीएम है। लेकिन स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है कि आपको स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर फाइंड करना है, हमारे पास नंबर जो है वो 3-digit नंबर है।
तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा 288 से। तो हमने यह देखा है कि इसको हम कितने बार डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने यहां पर ये डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली 3 times, क्योंकि स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि कितने बार डिवाइड हो पाएगा, ये 3 times हो पाएगा। और फिर हम देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करके 8 3 24 24 का 4 कैरी लगा 2 8 3 24 और 2 26 कैरी लगा 2 एंड 3 2 6 और 2 8। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर 3 times में अगर हमने डिवाइड किया है तो हमारे पास आ गया 864 और रिमाइंडर बचा है 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6, 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3 और 9 में से 8 माइनस हुआ तो 1। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर अगर 1000 में से 136 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा, 864। इसका मतलब 864 कंप्लीटली डिवाइसिबल है। बट स्टूडेंट्स आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर कहा गया द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर एक्जैक्टली डिवाइसिबल बाय तो बच्चों ये नंबर कौन सा होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे 1000 में से माइनस करेंगे 136। और मैंने बताया कि आप अगर इसमें से माइनस करेंगे तब भी आपके पास 3 digit नंबर आएगा, लेकिन आपको 4 digit नंबर मांगा गया है, 4 digit नंबर की रिक्वायरमेंट की गई। तो आपको क्या करना है, 1000 में से 136 को माइनस करेंगे और फिर उसमें 288 ऐड कर देंगे। ये हमारा एक बहुत अच्छा मेथड है, आप सबको बात क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि 136 को माइनस अगर हम कर देते हैं तो हमारा 3 digit नंबर ही आता है। आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर, तो आपको क्या करना है बच्चों, 864 और इसमें ऐड करना है 288 और ऐड करने पर आएगा 8 4 12 12 का 2 कैरी लगा 1 8 1 9 9 6 15 15 का 5 कैरी लगा 1 8 2 10 10 1 11। तो आपके पास जो नंबर आया है 1152, ये एक नंबर है जो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर है जो इन 3 नंबर से एक्जेक्टली डिवाइसिबल है।